एनिमल क्लासिफिकेशन टॉपिक चल रहा है। चैप्टर 4 क्लास 11 एनसीईआरटी। अभी एनसीईआरटी आरबीसी में भी है और सीबीएसई में भी है। यहां पर डिस्कस कर रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। काफी सारे लेक्चर हुए हैं जहां पर मुझे याद है शायद ये 13 लेक्चर थे। एनिमल क्लासिफिकेशन में हैवी कॉर्डेटर का डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हैवी कॉर्डेटर डिस्कस किया था। आज स्टार्ट करेंगे कॉर्डेटर। टेल और प्रेजेंट, तो मैं हेड से शुरू होकर टेल तक प्रेजेंट
मल्टी डेटा को फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अलग 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 कई जगह सिर्फ एक डेटा ग्रुप का पूछ सकते हैं। एक डेटा को इसको बेटा कुछ लिखते हैं ग्रेथा या फिर अगर ग्रेथा और नेतृत्व को बेटा नाम से भी पता चल रहा है ए एब्सेंट ग्नेथो ग्नेथा बड़ी होता है जॉज के स्टोमेटा माउथ तो माउथ में जॉज एब्सेंट वहां पर माउथ में जॉज प्रेजेंट तो जॉज प्रेजेंट है या जॉज एब्सेंट है सिंपल सा एक इंग्लिश में हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें आता है आपको साइक्लोस्टोमेटा साइक्लोमीन्स राउंड स्टोमेटा तो गोल मुंह वाले जॉलेस विशेष की उनको एक्सप्लोर करने का है। साइक्लोस्टोमेटा के सब करते थे अपने फूड को पैरासाइट होती थी उनमें जॉल्स एब्सेंट थे तो पीक भी नहीं थी जॉल्स भी पीक नहीं होंगे। नेथोस्टोमेटा नेथोस्टोमेटा में फर्दर टू सुपर क्लासेस बनाई थी तो जो दो सुपर क्लास है Pisces and Tetrapoda. Pisces and Tetrapoda. अब इनमें तो क्लासेस हैं। Tetrapoda में भी क्लास की बात करें तो यहाँ पर Pandites करेंगे आईसीएस पर छोटा सा है इसको डिस्कस करने पर आईसीएस भी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट।